झारखंड के रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। व्हाट्सएप कॉल पर अपराधी गिरोह का नाम ले व्यापारियों से लेवी मांगने वाला अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा। लेवी मांगने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के निर्देश पर गठित टीम ने बिहार के नवादा से किया इस अपराधी को गिरफ्तार। रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशोर रजक ने बिहार से गिरफ्तार किए गए इस अपराधी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार नवादा से गिरफ्तार यह सुभाष प्रसाद अपने फोन से रामगढ़ के कई व्यापारियों को एक विशेष गिरोह का सदस्य बताकर रंगदारी के रूप में लाखों रुपए की मांग करता था। इस मामले में श्री रजक ने आगे बताया कि यह अपराधी अपने फोन से व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी के रूप में पैसे मांगता था और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देता था, जिस पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी अभियान चलाते हुए इस अपराधी को गिरफ्तार करने का काम किया। राजू प्रसाद, भरत कुमार, प्यारेलाल महतो, जयप्रकाश बुधिया और कई अन्य लोगों को वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दे रहा था और रंगदारी के रूप में 10 लाख, 20 लाख अलग अलग रकम की डिमांड कर रहा था और नहीं देने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था। ये खुद को अपने आप को अमन साहू गिरोह का सदस्य बता रहा था और बीच बीच में ये बिहार नवादा का है और ये बीच बीच में गोला आना जाना करते रहता था और इसी क्रम में स्पेशल के निर्देशानुसार हम एक टीम बनाया गया मेरे नेतृत्व में और टीम ने लगातार छापेमारी करते हुए सुभाष कुमार को गिरफ्तार किया है। इसका उम्र 20 साल है और उसके साथ जिस फोन से वो धमकी देता था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। क्या लगता है मेरे नन्हे कदम? A Blaze School is nurturing childhood with strong academic foundation, so many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashoknagar, in Ramgarh, near Miloni Club, Bijolia, Ramgarh, Kant.